नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जिले भर में लगातार घट रही है संक्रमण की दर। कोरोना के मामलों में सुधार की ओर जिला फतेहाबाद बढ़ रहा है। जिले में ब्लैक फंगस के मामले 11 आ चुके हैं। स्पेशल कैंप लगा के 1844 वर्ष के आयु के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। कैंप में ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होगी आवश्यकता। पलवल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जिले भर में कोरोना की रफ्तार में अभी मंदी पड़ रही है। कोरोना के संक्रमण की दर में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं रिकवरी रेट भी पहले से सुधार हुआ है। फतेहाबाद के डीसी नरसिंह बांगड़ ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के इस जंग में हम लोग जीत की ओर पड़ रहे हैं, मगर एक छोटी सी लापरवाही पूरी कवायद पर पानी फेर सकती है, इसलिए कोरोना नियमों की पालना करना बेहद आवश्यक है। बातचीत के दौरान डीसी ने बताया कि जिले में इस वक्त ब्लैक फंगस के 11 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनका अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लैक फंगस से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को इस बीमारी की मामूली सी भनक लगती है, लक्षण नजर आते हैं, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग की जांच करवाएं ताकि समय रहते इसे काबू किया जा सके। उन्होंने बताया कि कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, खासकर जिन्हें डायबिटीज है या फिर ऐसे रोग है जिसके कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, ऐसे लोगों को इस रोग से खतरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक मात्रा में स्टेरॉइड का प्रयोग कर ब्लैक फंगस को आमंत्रित करना है। वहीं उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। जिले के गांव-गांव में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण अपने गाँव में ही टीकाकरण करवा रख सकते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। कोरोना को लेकर फतेहाबाद में यदि आप आंकड़ों की बात करें तो अब ये घटने की तरफ है, लेकिन हमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम जिस मोमेंटम से हम आगे चल रहे हैं और जिस तरह से हमने इसको घटाया है, हमें उसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करनी चाहिए। हमें जो कोविड का प्रोसीजर है और जो इसका बिहेवियर है, हमें उसमें कोई किसी तरह की छूट नहीं करनी चाहिए। चाहे वो मास्क लगाने की बात है जब आप जाए, और चाहे वो आपके हाथ सैनिटाइज करने की बात है, या एक सेफ डिस्टेंस की 6 फीट की दूरी की बात है। इसमें मैं जो विशेष तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अब हमने जो 18 वर्ष से आयु के जितने भी युवा हैं, 18 से 45 के बीच में, उनके लिए भी वैक्सीन को अब फ्री कर दिया है। और वो अपना आधार कार्ड दिखाकर गाँव में जो टीम जा रही है, जो हेडक्वार्टर टीम है इंस्पेक्शन के लिए, जो लोगों के जनरल हेल्थ चेकअप के लिए जा रही है, वहाँ जाकर भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इसका विशेष तौर पे कैंप भी मैंने मेरी सेक्रेटरीट में भी लगवाया है, जो मंगलवार और वीरवार को 25 तारीख 25 मई और 27 मई को रहेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि मैंने सिविल हॉस्पिटल में भी ये डॉक्टर साहब से, सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ भी ये इंतजाम करा दिए। अब 18 से 45 के लोगों के लिए वो अपना आधार कार्ड लेकर जाए और अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के अपनी वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इसमें हमारा मुख्य बात ये है कि जो गाँव के अंदर भी इस तरह के जितने भी लोग आते हैं, सिर्फ यदि वो स्वस्थ हैं तो उनको तुरंत वैक्सीन लगा दी जाएगी, और यदि वो स्वस्थ नहीं है तो उनका मौके पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा, और रैपिड एंटीजन टेस्ट में यदि वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो तुरंत वैक्सीन लगा दी जाएगी, और यदि वो वहाँ पर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर उनको जिस तरह का भी उनके सिम्टम्स हैं उसी हिसाब से उनको गाइड किया जाएगा, और उनको होम आइसोलेशन की किट देकर और फिर उस तरह के माहौल के लिए उनको बताया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि इसमें वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़े और इस वैक्सीनेशन का फायदा उठाएं। ये स्पेशल कैंप लगाने की बात है, ये हमने लगवा दिए हैं। अब इसमें कोई वहाँ पर भीड़ भाड़ भी ना करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वहाँ पर भी बराबर अपनी मेंटेन करके रखें। ऐसा ना हो कि कोई कोरोना पॉजिटिव ही बीच में आकर आपके बीच में और वही बाकियों को भी इस तरह से संक्रमण से ग्रस्त करके चला जाए। तो कृपया इस अपने प्रोटोकॉल्स को और अपने बिहेवियर्स को, कोविड के बिहेवियर्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन का पूरा फायदा उठाएं। इसके अलावा ब्लैक फंगस की बात है, ब्लैक फंगस में भी हमारे यहाँ केसेस अब आए हैं कुछ, मगर हमें घबराने की जरूरत तो नहीं है। जब भी कोई इस तरह का ब्लैक फंगस का कोई केस आता है तो अपने नियरेस्ट सब सेंटर में या PHC या CHC या हॉस्पिटल में जाके अपने आप को दिखाएं, चेक कराएं, और यदि आप ब्लैक फंगस के
से ग्रस्त पाए जाते हैं, तो फिर आपको उसी तरह का उपचार के लिए आपको मेडिकल कॉलेज में अग्रोहा के लिए रेफर किया जाएगा। इसका स्थायी इलाज वहाँ पर ही मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में ही करवाया जाता है। तो आंकड़ों की बात की जाए सर, कितने आंकड़े जो ब्लैक फंगस के हैं वो आ चुके हैं? ब्लैक फंगस क्या? ब्लैक फंगस के आंकड़े आज के दिन 11 हैं, और ये डायबिटीज की हायर स्टेज है, अपर स्टेज में ही आता है। तो उसमें जो शुगर का लेवल है वो 200 को जब क्रॉस कर जाता है, तो ये डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तब ये जाकर ब्लैक फंगस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो शुगर के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, कृपया वो इसका ज़रूर ख्याल रखें, अपनी शुगर्स को टाइमली ज़रूर चेक कराएं। और ये कई बार डॉक्टर्स ने वो उपचार के दौरान यदि स्टेरॉइड्स दी है और आपके संज्ञान में, तो कृपया तो भी आप अपनी शुगर को चेक करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वच्छता का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।